हेलो, नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग, कैसे आप लोग? सो बच्चा लोग, अनअकैडमी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है द बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर. एसएससी जेई सब्सक्रिप्शन, आरआरबी जेई सब्सक्रिप्शन आर नाउ अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 55%. सो गेट फ्लैट 55% ऑफ ऑन ऑल द एसएससी जेई सब्सक्रिप्शन. ये ऑफर 30 अक्टूबर तक, मतलब आज रात तक वैलिड है. आप लोगों को कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करना है और मेरा कोड यूज़ करना है वैद्य50. क्या यूज़ करेंगे आप लोग? मेरा कोड यूज़ करेंगे वैद्य50. वैद्य50 लगाते ही आप लोगों को ये डिस्काउंट मिल जाने वाला है. ओके बच्चा, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को क्लिक करें एंड चेक करें. आप लोग एसएससी जेई का 24 मंथ्स का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एट 7199, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 5399 एंड 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एट 4499. ओके, सो मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द सेम. सर, मुझे तो आरआरबी जेई का सब्सक्रिप्शन लेना है. सो दिवाली ऑफर है, तो दिवाली तो हर एक उस पे लगेगी. सो दिवाली ऑफर का बेनिफिट आप लोग आरआरबी जेई के सब्सक्रिप्शन के साथ भी ले सकते हैं. यू कैन टेक द आरआरबी जेई सब्सक्रिप्शन फॉर 12 मंथ्स एट 4050, फॉर 6 मंथ्स एट 2970 एंड फॉर 3 मंथ्स एट 2228. ओके, एंड फॉर 3 मंथ्स एट 2228. समझ में आई ये बात आप लोगों को? ओके, सो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी. एंड बच्चा, आप लोग स्पिन द व्हील कॉन्टेस्ट का भी हिस्सा बन सकते हैं, वेयर यू विल गेट अश्योर्ड रिवॉर्ड्स. दिस दिवाली यू गेट अ चांस टू विन आईफोन, मैकबुक, गेमिंग कंसोल एंड मेनी मोर थिंग्स. यू कैन सी दिस, वरना आप लोगों को सब्सक्रिप्शन कोड भी मिलने वाला है एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 90%, 70% ऑफ, 55% एंड मेनी अदर थिंग्स आर देयर. सो ट्राई दिस आउट. एंड बच्चा, जो सब्जेक्ट्स चालू हो रहे हैं आरआरबी जेई के बैच में, आरआरबी साइंस, सीएलपी एंड जेई के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बाय प्रवीण सर, कंप्लीट कोर्स ऑन केमिस्ट्री फॉर आरआरबी जेई बाय दीपाली मैम एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सिंक्रोनस मशीन्स बाय रविंद्र यादव सर. सो बच्चा, एंड आप लोगों के टॉपर्स बैच में प्रमोद सर स्टार्ट करें रीजनिंग फॉर एसएससी जेई 2025. ओके बच्चा, चलिए बाकी सारी चीजों की बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट अवर सेशन. सो बच्चा, आज अपन लोगों को करना है Q&A. एसएससी जेई सीबीटी 2 आप लोगों को जो अटेम्प्ट करना है, आज मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट देंगे रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन. सो न्यूमेरिकल है, मैं इसका 2 मिनट दे रहा हूँ. तो बच्चा चलिए ट्राई करिए इसको. सर, अ साइक्लिक हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन अ सोर्स टेम्परेचर ऑफ 727 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ सिंक टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड. सर, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज, कैलकुलेट करें. आप लोगों को पूछा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द इंजन. ट्राई करो बच्चा, देखो न्यूमेरिकल है, जल्दी हो जाना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट भी है. ओके बच्चा, सॉल्व करें तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए. एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है बच्चा? एफिशिएंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू, सर, 1 माइनस TL अपॉन TH.
सर टी लो क्या हो जाएगा, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर। 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 मतलब ये हो जाएगा 300, एंड टी हाई मतलब 727 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 ये हो जाएगा आप लोगों का 1000 बच्चे। सो 1 माइनस 0.3 दिस विल बी 0.7, दैट मीन्स योर एफिशिएंसी इज पूरा का पूरा 70%। आप लोगों की एफिशिएंसी कितनी है, आप लोगों की नहीं मतलब ये गिवन इंजन की जो एफिशिएंसी है ये 70% है। गिवन इंजन की एफिशिएंसी कितनी है बच्चा, ये 70% है। ओके समझ में आया। ओके सो हियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फॉर्मूला कि आप लोग हीट इंजन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है दैट एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन कैन ऑल्सो बी फाइंड आउट इन द टर्म्स ऑफ द हीट ट्रांसफर दैट इज टेकिंग प्लेस, दैट इज द हीट एडेड एंड हीट रिजेक्टेड। सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 माइनस QL अपॉन QH। सो ये जो फॉर्मूला है आप लोग कोई भी इंजन को अप्लाई कर सकते हैं, वेदर द इंजन इज अ रिवर्सिबल हीट इंजन और इरिवर्सिबल इंजन। तो आप लोगों को याद रखना है दैट द फॉर्मूला 1 माइनस QL अपॉन QH ये कोई भी इंजन के लिए अप्लाई हो सकता है, वेदर द इंजन इज रिवर्सिबल हीट इंजन और इरिवर्सिबल हीट इंजन। बट अगर आप लोगों को बोला गया है कि रिवर्सिबल हीट इंजन है तो आप लोग टेम्परेचर लिमिट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, QL अपॉन QH तो यूज कर ही सकते हैं, पर ये स्पेसिफिक फॉर्मूला 1 माइनस TL अपॉन TH दैट मींस द एफिशिएंसी फाउंड इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिमिट ओनली यूजिंग द टेम्परेचर लिमिट्स ओनली, वो खाली आप लोग रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए निकाल सकते हैं। आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है, ये आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मेंशन था क्या, यहाँ पे मेंशन नहीं था बट यहाँ पे एक वर्ड यूज करा था मैक्सिमम एफिशिएंसी और आप लोगों को दिया भी टेम्परेचर ही हुआ था। सो ये जो दो टर्म्स थे इसको देख के अपन लोगों को समझना था कि यहाँ पे आप लोगों को एफिशिएंसी निकालनी है टेम्परेचर लिमिट्स को यूज करके। अगर हीट ट्रांसफर दिया हुआ होता तो भी अपन लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए टेम्परेचर वाला ही फॉर्मूला यूज करते, बिकॉज द रिवर्सिबल हीट इंजन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन बिटवीन द गिवन टेम्परेचर लिमिट्स। रिवर्सिबल हीट इंजन जो होता है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट रहने वाला इंजन होता है बिटवीन द गिवन टेम्परेचर लिमिट। समझ में आया, समझ में आया। चलिए इस अगले क्वेश्चन को ट्राई करें। सर विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट सेट इज रिक्वायर्ड फॉर वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा मूल घटक सेट वेट पंप स्नेहक सिस्टम के लिए आवश्यक है। क्या होगा बच्चे, आप लोगों के कमेंट्स आते रहेंगे, आप लोगों को कमेंट्स करना नहीं छोड़ना है। समझ में आया। ओके बच्चा क्या हो सकता है, अगर आप लोग देखो आप लोगों के वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या क्या हो सकता है। वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में होगा आप लोगों का ऑयल पंप, स्ट्रेनर, प्रेशर रेगुलेटर, ऑयल फिल्टर एंड ब्रीथर। ऑप्शन नंबर ए सही है। थोड़ा बहुत अपर अगर पढ़ ले सर, वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होता है। सर इन द वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम द बॉटम ऑफ द क्रैंक केस कंटेनिंग एन ऑयल पान और अ सम्प दैट सर्व्स एज अ ऑयल सप्लाई, ऑयल स्टोरेज टैंक एंड ऑयल कूलर ऑल्सो। जो ड्रिपिंग ऑयल है फ्रॉम द सिलेंडर बेरिंग्स एंड अदर पार्ट्स वहां पे ड्यू टू द ग्रेविटी सम्प में वापस पहुंचेगा, इट फॉल्स अंडर द ग्रेविटी बैक इनटू द सम्प फ्रॉम वेयर इट इज पिक्ड बाय द पंप एंड रिसर्कुलेटेड थ्रू द इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम। तो तीन तरीके के लुब्रिकेटिंग सिस्टम है, स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम में अपन लोग वहां पे आप लोगों के क्रैंक को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि उसके जो प्रोजेक्टेड पार्ट है उसकी वजह से आप लोगों का लुब्रिकेंट स्प्लैश होके हर एक जगह तक पहुंच जाएगा। स्प्लैश एंड प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम जहाँ पे आप लोग पंप का यूज करोगे साथ में, एंड फिर आएगा टोटली प्रेशराइज लुब्रिकेशन सिस्टम। तो ये आप लोगों को याद रखना है, दिस इज द नॉर्मल डायग्राम आप लोगों का स्प्लैश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम का। ओके बच्चे कि ये स्प्लैश नहीं है सर, ये प्रेशर वाला है क्योंकि यहाँ पे अपन लोगों को दिख रहा है पंप। तो आप लोगों को पार्ट्स याद रखने हैं, जनरली इसमें क्या क्या पार्ट्स हो जाएंगे आप लोगों का, देखो ऑयल स्ट्रेनर हो गया, उसके साथ ब्रीथर हो गया, ऑयल पंप हो गया, ऑयल सम्प हो गया। समझ में आया। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
ऑयल पंप, स्ट्रेनर, प्रेशर रेगुलेटर, ऑयल फिल्टर एंड ब्रीथर। ओके, याद रखना पड़ेगा, ऑयल पंप, स्ट्रेनर, प्रेशर रेगुलेटर, ऑयल फिल्टर एंड ब्रीथर। चलिए सर, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड टू द मीन इक्विलिब्रियम स्पीड इज अधिकतम और न्यूनतम संतुलन गति के बीच के अंतर एवं औसत संतुलन गति का अनुपात क्या है? ओके बच्चा, क्या होगा? तो यहाँ पे कुछ टर्म्स को पढ़ ले थोड़ा बहुत। सबसे पहले अपन लोग किसको पढ़े सर? सबसे पहले बात हो रही है सेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नर की। सर सेंसिटिवनेस, गवर्नर सेंसिटिविटी होती क्या है सर? फॉर अ गिवन चेंज इन आउटपुट। नहीं सर, फॉर अ गिवन चेंज इन इनपुट द चेंज इन आउटपुट डिफाइन द सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिवनेस में क्या होगा सर? इफ फॉर अ स्मॉल चेंज, इफ फॉर एनी स्मॉल चेंज इन स्पीड ऑफ द इंजन ड्यू टू द चेंज इन लोड सर द स्लीव कैन मूव, तो वो गवर्नर को सेंसिटिव कहा जाता है। बट अगर आप लोगों के स्पीड का चेंज बहुत छोटा है और आप लोगों के फ्लाई बॉल्स के रेडियस ज्यादा चेंज हो रहा है, मतलब गवर्नर बहुत ज्यादा अप एंड डाउन मूव कर रहा है, तो आप लोगों का गवर्नर हाईली सेंसिटिव गवर्नर। कैसा गवर्नर है बच्चा? आप लोगों का गवर्नर हाईली सेंसिटिव गवर्नर है। बट इफ फॉर अ लार्ज चेंज इन स्पीड ऑफ द गवर्नर, अगर आप लोगों का चेंज इन रेडियस कम है, तो अपन लोग ऐसा बोलेंगे कि आप लोगों का गवर्नर जो है वो लेस सेंसिटिव गवर्नर है। कैसा गवर्नर है बच्चा? वो आप लोगों का लेसर सेंसिटिव गवर्नर है। तो आप लोगों को ये याद रखना है दैट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन एन मीन। यहाँ पे होना चाहिए एन मीन। ओके, एन मीन क्या हो जाता है आप लोगों का? इसका एवरेज एन वन प्लस एन टू अपॉन टू। तो सेंसिटिविटी को आप लोग लिख सकते हो एन टू माइनस एन वन अपॉन एन मीन, और else 2 into n2 minus n1 upon n1 plus n2। तो ये हो गई बात सेंसिटिविटी की। सर स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर इफ द गवर्नर, अ गवर्नर इज सेड टू बी स्टेबल इफ इट ब्रिंग्स बैक द स्पीड टू द मीन स्पीड विदाउट हंटिंग। मतलब लोड के चेंज होने के बाद अगर आप लोगों का गवर्नर इजीली उसको मीन स्पीड पे ले आता है विदाउट मच हंटिंग, हंटिंग मतलब आप लोगों के दोनों स्टॉप्स के बीच में भागते रहते। हंटिंग का मतलब ये है कि आप लोगों के दोनों स्टॉप्स के बीच में भागते रहेगी अगर स्लीव, तो उसको कहा जाएगा हंटिंग। क्या कहा जाएगा उसको? उसको कहा जाएगा हंटिंग। समझ में आया? सो व्हेन द स्पीड इज लार्ज, मतलब स्पीड बढ़ रही है, सॉरी कहने का मतलब ये है, तो आप लोगों के फ्लाई बॉल का रेडियस भी बढ़ना चाहिए। अगर आप लोगों के स्पीड भी बढ़ रही है तो फ्लाई बॉल का रेडियस भी बढ़ना चाहिए। अगर स्पीड भी बढ़ रही है तो फ्लाई बॉल का रेडियस भी बढ़ना चाहिए, एंड अगर आप लोगों का स्पीड घट रही है तो फ्लाई बॉल का रेडियस घटना चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्टेबल गवर्नर। व्हाट इज इट कॉल्ड बच्चा? दैट इज कॉल्ड स्टेबल गवर्नर। वाइस वर्सा, अगर आप लोगों का स्पीड बढ़ रहा है पर आप लोगों का फ्लाई बॉल का रेडियस कम हो जाएगा, अगर आप लोगों का स्पीड बढ़ रहा है और फ्लाई बॉल का रेडियस कम हो जाएगा, या आप लोगों का स्पीड घट रहा है और आप लोगों के फ्लाई बॉल का रेडियस बढ़ जाएगा, तो उसको कहा जाता है अनस्टेबल गवर्नर। ओके, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नर, आप लोगों को ये याद रखना है, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर ओनली वन रेडियस ऑफ रोटेशन शुड बी देयर फॉर द इक्विलिब्रियम स्पीड। मतलब अगर इक्विलिब्रियम स्पीड पे देखें तो एक ही रेडियस ऑफ रोटेशन होना चाहिए, मतलब एक ही इक्विलिब्रियम स्पीड पे दो अलग अलग रेडियस ऑफ रोटेशन नहीं होने चाहिए। एक ही इक्विलिब्रियम स्पीड पे दो अलग अलग फ्लाई बॉल रेडियस नहीं होने चाहिए। हंटिंग क्या है? इट इज नॉट डिजायरेबल सर। व्हेन द सेंसिटिवनेस इज वेरी हाई द चेंज इन फ्यूल सप्लाई विल बी सडन। मतलब थोड़ा सा आप लोगों का लेट लोड चेंज हुआ, सॉरी आप लोगों का फ्लाई व्हील उसके लिमिट्स की तरफ भागेगा, मतलब स्टॉपर्स की तरफ भागेगा,
एंड फ्यूल सप्लाई सडन होगा, मोर देन रिक्वायर्ड होगा, एंड इसी वजह से आप लोगों का इंजन फ्लक्चुएट करता रहेगा बिटवीन द मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड, एंड स्लीव के एक्सट्रीम पोजिशन को कंटिन्यूसली हीट करती रहेगी। स्लीव जो है विल बी हिटिंग द एक्सट्रीम पोजिशन कंटिन्यूसली, सो इट इज कॉल्ड हंटिंग। तो आप लोगों को याद रखना है द स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी एंड इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हंटिंग, ये आप लोगों को याद रखना है। तो अपन लोग चाहते हैं कि अपना गवर्नर स्टेबल में स्टेबल हो। एंड द फोर्थ स्टेट इज आइसोक्रोनस गवर्नर। सर आइसोक्रोनस गवर्नर मतलब इनफिनाइट सेंसिटिवनेस, इनफिनाइट सेंसिटिवनेस मतलब उसकी वर्किंग रेंज ही नहीं है। ओके आप लोगों की इक्विलिब्रियम स्पीड पे आपका रेडियस ऑफ रोटेशन कुछ भी हो सकता है। अपन लोगों ने स्टेबिलिटी में पढ़ा था कि एक इक्विलिब्रियम स्पीड पे एक ही रेडियस ऑफ रोटेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम स्पीड पे आप लोगों का कोई भी रेडियस ऑफ रोटेशन हो सकता है। ओके तो ऐसे गवर्नर को कहा जाता है आप लोगों का आइसोक्रोनस गवर्नर। ऐसे गवर्नर्स को क्या कहा जाता है, ऐसे गवर्नर्स को कहा जाता है आप लोगों का आइसोक्रोनस गवर्नर। तो आइसोक्रोनस गवर्नर हमेशा याद रखिए पेंडुलम टाइप गवर्नर्स जो है वो आइसोक्रोनस नहीं हो सकते, खाली और खाली स्प्रिंग लोडेड ही, खाली और खाली स्प्रिंग लोडेड इज अलाउ कर सकते हैं। समझ में आया? तो बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग समझ ही रहे, इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा सेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नर। ओके बच्चा, तो अपन लोग खाली क्वेश्चन को कर नहीं रहे, खाली आप लोगों के लिए अपन लोग क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, उससे रिलेटेड टर्म्स को भी समझ रहे हैं। सो दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, दिस विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। चलिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेड वेट गवर्नर, निम्नलिखित में से कौन मृत भार गवर्नर है, डेड वेट टाइप गवर्नर। ओके बच्चा क्या हो सकता है, कौन सा गवर्नर इसमें से डेडवेट टाइप गवर्नर है? ओके क्या लग रहा है आप लोगों ने ट्राई किया? ओके बच्चा तो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, आप लोगों को यहाँ पे चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए नोट भी ऐड कर दी है। सबसे पहले आप लोग ये समझिए इसका आंसर है प्रोएल टाइप गवर्नर। ये देखिए प्रोएल टाइप गवर्नर जो है डेड वेट टाइप या डेड लोड टाइप गवर्नर है, वेयर द फ्लाई बॉल्स आर ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द लोअर लिंक। अपन लोग क्या बोलेंगे बच्चा, हियर द फ्लाई बॉल्स आर एट द एक्सटेंशन ऑफ द लोअर लिंक। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है? ओके एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, एक जनरल फॉर्मूला है ये आप लोगों के प्रोएल गवर्नर के लिए है कि एन स्क्वायर जो हो जाएगा विल बी इक्वल्स टू, एन स्क्वायर जो हो जाएगा विल बी इक्वल्स टू 895 अपॉन एच इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई इनटू इन ब्रैकेट 2mg प्लस कैपिटल एम जी प्लस माइनस एफ इनटू 1 प्लस के अपॉन 2mg। ठीक है सो यहां पे आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों का ये समझना है कि दैट फॉर सेम परफॉर्मेंस आप लोगों का जो प्रोएल गवर्नर का जो मास होता है इट इज लेस देन द पोर्टर गवर्नर एंड इनर्शिया फोर्स इसी वजह से कम हो जाते हैं, एंड इनर्शिया फोर्स इसी वजह से कम हो जाते हैं। सो वॉट्स गवर्नर जो है इट इज यूज्ड फॉर
लो स्पीड पोर्टर गवर्नर इज वेरी सेंसिटिव इन हाई स्पीड रेंजेस एंड प्रोइल गवर्नर जो है वो इंटरमीडिएट स्पीड पे यूज होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इट इज प्रो एल गवर्नर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रो एल गवर्नर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेड वेट टाइप गवर्नर। चलिए सर, इन द थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम द वाटर फ्लोज थ्रू द सिस्टम ड्यू टू व्हाट। थर्मोसाइफन शीतलन प्रणाली में प्रणाली के माध्यम से किस प्रणाली के माध्यम से पानी बहता है सर? ऑप्शन नंबर ए एंट्रोपी डिफरेंस, ऑप्शन नंबर बी इंटरनल एनर्जी डिफरेंस, ऑप्शन नंबर सी डेंसिटी डिफरेंस, या ऑप्शन नंबर डी वॉल्यूम डिफरेंस। ओके बच्चा समझे इसको। तो थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम में होता क्या है सर? सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है दैट वाटर कूलिंग सिस्टम का ही एक सब क्लासिफिकेशन है थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम। सो वाटर कूलिंग सिस्टम में सर व्हेन द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू, तो अपन लोग यहाँ पे देखे इट सर्व्स टू पर्पसेस इन द वर्किंग ऑफ एन इंजन सर। इट विल टेक अवे द एक्सेसिव हीट विच इज जनरेटेड इन द इंजन एंड इट विल अल्टीमेटली सेव द इंजन फ्रॉम ओवर हीटिंग and it keeps the engine at a working temperature for efficient and economical working. It keeps the engine at a working temperature for efficient and economical working. याद रहेगा। So this cooling system has four types of system. इसके चार तरीके के system हैं। कौन से बच्चा? सबसे पहले direct और non-return type system, जहाँ पे simply आप लोगों ने पानी लिया and then उसको discharge कर दिया। Okay? ये इसके लिए आप लोगों को source of water बाजू में होना चाहिए। Then thermosiphon जो सिस्टम है it works onto the principle of density difference according to the temperature, क्योंकि आप लोगों को पता है temperature बढ़ेगा density घटेगी। Then the third one is the Hooper system and fourth one is the pumped force circulation system. Fourth one क्या है बच्चा? It is pumped force circulation system. तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा सर? thermosiphon जो आप लोगों का कूलिंग सिस्टम है इट वर्क ऑन टू द प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी डिफरेंस। किस पे वर्क करता है बच्चे? इट वर्क ऑन टू द प्रिंसिपल ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस। याद रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक बच्चा थर्मोस्टेट वाल्व होता है जो वहां पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर वाटर जब अचीव करेगा उसी के बाद ही ओपन होगा, जिसकी वजह से वाटर कंटिन्यूअसली अमाउंट ऑफ हीट लेता रहेगा। वाटर कंटिन्यूअसली गिवन अमाउंट ऑफ हीट लेता रहेगा। चलिए ये न्यूमेरिकल को ट्राई करिए, ये आप लोगों के एसएससी में ही आ चुका है। सर अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज हैविंग अ मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ 80% एंड अ मैनोमेट्रिक हेड ऑफ 30%। सर इफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द आउटलेट ऑफ द पंप इज 20 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बिल एट द आउटलेट ऑफ द पंप। एक अपकेंद्री पंप की मैनोमेट्रिक दक्षता 80% है और मैनोमेट्रिक शीर्ष 30 मीटर है। यदि पंप के आउटलेट की है स्पर्श रेखा वेग दैट इज योर टेंजेंशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो पंप का आउटलेट पर घूर्णन वेग क्या होगा, विल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी।
ओके बच्चा सॉल्व करें इसको। सो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। सर एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है सर जी इंटू एच एम, दैट इज द मैनोमेट्रिक हेड अपॉन वी डब्ल्यू टू वेल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट द आउटलेट इंटू यू टू टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द आउटलेट। तो बच्चा कहीं ना कहीं आप लोगों ने फॉर्मूला यूज किया होगा, यहां से डायरेक्टली अपन लोग वेल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सर जी इंटू एच एम, जी क्या है 10 लेने का बोला गया, एच एम क्या है 30 मीटर। सो यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी। सर फॉर द कंप्रेशन स्ट्रोक ऑफ अ टू स्ट्रोक डीजल इंजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। दो स्ट्रोक डीजल इंजन के संपीड़न स्ट्रोक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या लग रहा है बच्चे, ओके बच्चा सॉल्व करें इसको, समझे मतलब। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है दैट दिस इज द डायग्राम ऑफ योर टू स्ट्रोक डीजल इंजन, जहाँ पे आप लोगों का पोर्ट होते हैं इंस्टेड ऑफ वाल्व। सो आप लोगों को ये देखना है, ये है एग्जॉस्ट पोर्ट, ये है इनलेट पोर्ट। अब यहाँ पे बात हो रही है तो आप लोगों को सबसे पहले ये समझना है दैट वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक डीजल इंजन में आप लोगों को केस नंबर वन, सर एयर एंटर्स द क्रैंक केस एंड गैस एक्सपांड्स व्हेन द पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। तो आप लोगों का एक्सपांशन होता है फर्स्ट हाफ में, एंड यहाँ पे ये होने लगता है कि जब आप लोगों का ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हो जाता है। सो एयर कंप्रेसेस इन द क्रैंक केस, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे इनलेट पोर्ट ओपन था तो एयर आती जा रही थी, तो एयर कंप्रेसेस इन द क्रैंक केस फर्स्ट अनकवर्स द एग्जॉस्ट पोर्ट, फर्स्ट इट विल अनकवर द एग्जॉस्ट पोर्ट एंड देन ट्रांसफर पोर्ट को भी अनकवर करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों का यहाँ से जो फ्रेश एयर आएगी वो आप लोगों के बर्न्ड चार्जेस को धक्का मारती जाएगी, एंड पिस्टन का जो शेप है, जो क्राउन जैसा डिफ्लेक्टर शेप है, उसकी वजह से क्या होगा बच्चे, उसकी वजह से आप लोगों का बर्न्ड चार्जेस एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ पे जैसे आप लोगों को समझना जरूरी है,
फर्स्ट अनकवर्स द एग्जॉस्ट पोर्ट एंड देन ट्रांसफर पोर्ट। तो ये स्टेटमेंट कहीं नहीं है इसमें, यहाँ पे क्लोजिंग के बारे में बात हो रही है। तो ये तो अपन लोग अनकवरिंग मतलब ओपनिंग के बारे में बात करें। अब क्या होगा, व्हेन द पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, इट फर्स्ट विल कवर द ट्रांसफर पोर्ट एंड देन एग्जॉस्ट पोर्ट, और उसी के बाद आप लोगों का कंप्रेशन और आप लोगों का यू कैन से फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट होगा। सो एयर विल एंटर एंड फ्यूल इज इंजेक्टेड बिफोर द टॉप डेड सेंटर एंड आप लोगों का पूरा कंबशन टेक्स प्लेस। सो ये आप लोगों को याद रखना है, फर्स्ट इट विल कवर द ट्रांसफर पोर्ट एंड देन एग्जॉस्ट पोर्ट इन द सिलेंडर। सो ये आप लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट द ट्रांसफर पोर्ट क्लोजेज एंड देन द एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोजेज। पहले स्थानांतरण पोर्ट बंद हो जाता है, फिर आप लोगों का निकास पोर्ट बंद हो जाता है। Which of the following is not a type of steam trap? बच्चा ये क्वेश्चन आप लोगों के सीपीटी वन में तो बहुत बार आया है। बच्चा अगर अपन लोग इसको देखें तो आप लोगों को स्टीम ट्रैप के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ओके अगर नहीं पता है तो पता कर लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार। स्टीम ट्रैप का काम के सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ऑटोमेटिकली अलाउ द कंडेंसेट एंड नॉन कंडेंसेबल गैसेस टू एस्केप विद द स्टीम। ओके इट विल ऑटोमेटिकली अलाउ द कंडेंसेट एंड द नॉन कंडेंसेबल गैसेस टू एस्केप विद द स्टीम। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। फिर आप लोग देखो मैकेनिकल स्टीम ट्रैप जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सर एक होता है आप लोगों का फ्लोट स्टीम ट्रैप, बकेट स्टीम ट्रैप, फ्री फ्लोट स्टीम ट्रैप। फिर आते हैं आप लोगों के थर्मोस्टेटिक स्टीम ट्रैप, जिसमें आता है लिक्विड एक्सपांशन टाइप वाला, बैलेंस प्रेशराइज टाइप वाला, बायोमेटेलिक वाला एंड बेलोड वाला, एंड थर्मोडाइनेमिक स्टीम ट्रैप में आता है डिस्क टाइप एंड स्टीम जैकेट्स। तो यहाँ पे अगर अपन लोग आंसर को देखें तो कौन सा आप लोगों को नहीं लग रहा है, आप लोगों को समझना है कंप्रेशन टाइप नहीं था, कंप्रेशन टाइप कोई नहीं था, एक्सपांशन टाइप था, बकेट टाइप था एंड फ्लोट टाइप था। चलिए सर, Which of the following is the most correct application of ideal gas equation onto the TS diagram of Rankine cycle?
तो बच्चा यहाँ पे अगर आप लोग देखो, वैलिड एवरीवेयर दैट्स नॉट ट्रू, वैलिड इनसाइड द वेपर डोम ओनली दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, एंड वैलिड ओनली ऑन टू द सेचुरेशन कर्व, वेल आइडियल गैस इज नॉट वैलिड फॉर मिक्सचर, इसी वजह से ये सही हो जाएगा दैट इट इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर द सेचुरेशन कर्व। समझ में आया? सर, इन एन एक्चुअल फोर स्ट्रोक डीजल इंजन द इंजेक्शन ऑफ फ्यूल इनसाइड द सिलेंडर कट ऑफ व्हेन द पिस्टन अप्रोचेस। बोले वास्तविक फोर स्ट्रोक चार स्ट्रोक डीजल इंजन में आप लोगों के सिलेंडर के अंदर का ईंधन का इंजेक्शन कट जाता है जब पिस्टन कहाँ पहुंचता है? तो बच्चा अपन लोगों को वाल टाइमिंग डायग्राम एंड पोर्ट टाइमिंग डायग्राम क्या चीज होती है समझना जरूरी है। दीज आर द वाल टाइमिंग डायग्राम फॉर द फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। आप लोग ये देखो, इनलेट वाल ओपन्स 10 to 20 डिग्री बिफोर द टॉप डेड सेंटर एंड एक्सपांशन टेक्स प्लेस। तो अगर आप लोगों का फोर स्ट्रोक डीजल इंजन है तो ओनली एयर विल एंटर, एंड आप लोगों का इनलेट वाल कहाँ क्लोज होगा? फॉर मैक्सिमम एंट्री ऑफ चार्ज एंड पॉसिबली पुशिंग द बर्थ चार्जेस आउटसाइड, इनलेट वाल्व क्लोजेस 30 to 40 डिग्री आफ्टर द बॉटम डेड सेंटर। कहाँ पे क्लोज होता है बच्चे? इनलेट वाल्व क्लोजेस 30 to 40 डिग्री आफ्टर द बॉटम डेड सेंटर, यहाँ पे कहीं। देन सर फिर क्या होता है? फिर होता है आप लोगों का कंप्रेशन स्ट्रोक एंड इग्निशन। यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक में आप लोगों का दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे, इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व बोथ क्लोजेस, एंड फिर इग्निशन टेक्स प्लेस एट अराउंड 20 to 30 डिग्री बिफोर द टॉप डेड सेंटर। उसके बाद एग्जिट वाल्व ओपन्स, सर एग्जिट वाल्व ओपन्स 30 to 50 डिग्री बिफोर द बॉटम डेड सेंटर, यहाँ पे कहीं। तो अपन लोगों को थोड़ा लॉस होता है एक्सपेंशन स्ट्रोक में, बट इसका फायदा क्या होता है कि बर्न्ड चार्ज को बाहर निकलने के लिए ज्यादा समय लगता है, तो अल्टीमेटली इट इज बेनिफिशियल, अल्टीमेटली इट इज बेनिफिशियल। एंड देन एग्जिट वाल्व क्लोजेस 10 to 15 डिग्री आफ्टर द टॉप डेड सेंटर, एग्जिट वाल्व क्लोजेस 10 to 15 डिग्री आफ्टर द टॉप डेड सेंटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यू कैन से 25 डिग्री आफ्टर द टॉप डेड सेंटर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये आप लोगों का ये रहेगा कौन से के लिए? आप लोगों का डीजल इंजन के लिए। एंड फिर आता है आप लोगों का पोर्ट टाइमिंग डायग्राम। तो पोर्ट टाइमिंग डायग्राम बाद में आप लोगों को मैं समझा दूंगा। सर टर्बो टर्बाइन, सर टर्बो टर्बाइन इज अ नॉन पेल्टन व्हील इंपल्स टर्बाइन विच इज डिजाइंड फॉर। चलो
सो बच्चा दिस इज योर टर्बो टर्बाइन. इट इज नॉन पेल्टन व्हील इंपल्स टर्बाइन विच इज यूज फॉर एक्चुअली मीडियम हेड. So which of the following is incorrect? Sir, the entropy of an isolated system increases in all the real processes. Sir, the entropy of an isolated system remains constant in the reversible process. Sir, the entropy of the isolated system may decrease in an irreversible process, and the entropy of universe can never decrease. Entropy of the universe can never decrease. Samajh mein aaya? So, bacha, sir, the entropy of an isolated system increases in the all real processes. Well, ye sahi hai, sir, the entropy of isolated system remains constant for a reversible process. Ye bhi sahi hai. Sir, the entropy of the isolated system may decrease in the irreversible process. Ye galat hai, because the entropy can never decrease for an irreversible process. Ye aap logo ko yaad rakhna padega. Entropy can never decrease for an irreversible process. ओके एंड एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स के नेवर डिक्रीज. ये तो वैसे भी सही है. सो बच्चा व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज. बच्चा ऑलवेज रिमेंबर द एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ डो क्यू बाय टी प्लस द एंट्रोपी जनरेशन. तो अपन लोग ये बोलते हैं दैट द एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू द एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू द हीट ट्रांसफर एंड एंट्रोपी जनरेशन ड्यू टू द इरिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट इन द सिस्टम. एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू द एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू द हीट ट्रांसफर एंड द एंट्रोपी जनरेशन ड्यू टू द इरिवर्सिबिलिटी. तो ये आप लोगों को याद रखना है. फॉर एन इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी जनरेशन विल बी जीरो एंड इसी वजह से एंट्रोपी चेंज विल बी इक्वल्स टू द इंटीग्रल ऑफ डू क्यू बाय टी. मतलब अपन लोग ये बोल सकते हैं दैट फॉर एन इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी चेंज विल बी इक्वल्स टू ओनली एंड ओनली एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू द हीट ट्रांसफर. इट विल बी इक्वल्स टू ओनली एंड ओनली एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू द हीट ट्रांसफर एंड फॉर एन इंटरनली इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी जनरेशन पॉजिटिव होता है, वो जीरो नहीं होता. इसी वजह से एंट्रोपी चेंज विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डो क्यू बाय डी प्लस द एंट्रोपी जनरेशन. कहने का मतलब ये है दैट द एंट्रोपी चेंज विल बी इक्वल्स टू द एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू द हीट ट्रांसफर प्लस द एंट्रोपी जनरेशन ड्यू टू द इरिवर्सिबिलिटी. ओके, आप लोग ये बोल सकते हो दैट एंट्रोपी जनरेशन जो है वो पाथ फंक्शन है और इनएक्जैक्ट डिफरेंशियल है. हायर द इरिवर्सिबिलिटी हायर विल बी द एंट्रोपी जनरेशन. समझ में आया? सो बच्चा ये एंट्रोपी का डेफिनेशन हो गया. अपन लोग यहाँ पे जल्दी से आते हैं दैट एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स फॉर एन इंटरनल इरिवर्सिबल प्रोसेस विल ऑलवेज इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इरिवर्सिबिलिटी. सर द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स फॉर एन इंटरनल इरिवर्सिबल प्रोसेस इज जीरो वेयर द एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट एंड एंट्रोपी कैन नॉट डिक्रीज. एंट्रोपी cannot decrease. समझ में आया? So entropy of the isolated system अगर word use किया decrease तो वो गलत है. चलिए ये rolling का question है. ये एक numerical आ गया तो आप लोगों को यहाँ पे maximum marks मिलने चाहिए. सर ड्यूरिंग द
determine the maximum possible reduction for cold rolling of 400 mm thick slab when the coefficient of friction mu is equals to 0.07 and the roll diameter is 500 mm. घर्षण गुणांक 0.07 और रोल व्यास 500 mm होने पर 400 mm मोटी स्लैब को ठंडा करने के लिए अधिकतम संभव कमी निर्धारित करें। कैसे करेंगे बच्चा? सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन डेल्टा एच इज गिवन बाय म्यू स्क्वायर आर पॉइंट जीरो सेवन द होल स्क्वायर इंटू 250। इसको सोल्व करिए 1.225 mm आएगा ये आप लोगों का आंसर। ओके बच्चा, सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर? हर्मेटिकली सील बंद संपीड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो बच्चा क्या होगा? इट इज वाइडली यूज्ड फॉर स्मॉल कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन सिस्टम। हाँ ये तो सही है सर। इट इज मोर नॉइजी बिकॉज ऑफ द रोटेटिंग शाफ्ट। ये भी सही है। इट रिक्वायर्स लेसर स्पेस ड्यू टू द कॉम्पैक्टनेस। नॉइजी तो गलत है वैसे, ये सी वाला सही है। एंड लास्ट पॉइंट इज लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कम्प्लीटली प्रिवेंटेड। तो बच्चा हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर में होता क्या, कंप्रेसर एंड मोटर बोथ ऑपरेट ऑन टू द सेम शाफ्ट एंड आर एनक्लोज्ड इन द कॉमन केसिंग। ओके, दे आर एनक्लोज्ड इन द कॉमन केसिंग और इसी वजह से अपन लोग बोल सकते हैं, इसी वजह से अपन लोग बोलेंगे दैट इट इज मोर नॉइजी बिकॉज ऑफ द रोटेटिंग शाफ्ट। ये गलत है, बाकी के तीन स्टेटमेंट सही है। सर द वाल ऑफ द नोजल एफिशिएंसी डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। नोजल दक्षता का मान निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है?
सर क्या फॉर्मूला है नोजल एफिशिएंसी का? सर नोजल एफिशिएंसी इज गिवन बाय द एक्चुअल एंट्रोपी चेंज। टू आइसेंट्रोपिक एंट्रोपी चेंज। सो बच्चा इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द नोजल। सर इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज। सर एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। नेचर ऑफ फ्लूड। तो बच्चा नसल नंबर तो कहीं नहीं आया। सर द थर्मोस्टेट इज यूज्ड इन अ वॉटर कूल्ड इंजन टू मेंटेन द।
बच्चा थर्मोस्टेट जो यूज होता है, मैंने आप लोगों को अभी थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम में बताया था, एक टेम्परेचर अचीव करने के बाद ही वो वाटर को फ्लो होने देता है। तो बच्चा इट इज फॉर द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर ओनली, इट इज फॉर द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर ओनली, सीधी सी बात है। चलिए सर, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी फॉर द काइनेटिक हेड इज गिवन बाय, ओके, बर्नौलीज इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो बच्चा बर्नौलीज इक्वेशन क्या है? सर पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहां पे पी अपॉन रो जी क्या है सर? पी अपॉन रो जी जो है दैट इज प्रेशर हेड, सर वी स्क्वायर अपॉन टू जी डायनामिक हेड, एंड जेड क्या है? पोटेंशियल हेड। सही है बच्चा, सर नेक्स्ट इज फॉर अ लोकोमोटिव और अ पोर्टेबल बॉयलर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर गेज इज मोर सुटेबल। उसका आंसर वी स्क्वायर अपॉन टू जी हो जाएगा सर, पे टिक करना भूल गया। ठीक है बच्चा, क्या हो जाएगा? फॉर अ लोकोमोटिव और अ पोर्टेबल बॉयलर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर गेज इज मोर सुटेबल। बच्चा डबल ट्यूब बोर्डन गेज यूज करते हैं वहां पे, ओके, ये देखिए, ये आप लोगों का लोकोमोटिव बॉयलर का लाइन डायग्राम हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इसके बारे में थोड़ा मैंने आप लोगों को लिखा हुआ है। सो लोकोमोटिव बॉयलर में मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर है, हॉरिजॉन्टल फायर्ड, हॉरिजॉन्टली नेचुरली फायर्ड एंड पोर्टेबल बॉयलर है। इसका काम ये है टू प्रोड्यूस स्टीम एट अ वेरी हाई रेट बच्चा,
एंड एन आर्टिफिशियल स्टीम जेट ड्राउट इज प्रेजेंट इन साइड द बॉयलर फॉर इंक्रीजिंग द हीट ट्रांसफर रेट। सो बच्चा यहाँ पे मैंने आप लोगों को नोट्स में भी लिखा हुआ था कि आप लोग जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज यूज करते हो वो डबल ट्यूब बॉर्डन गेज है, वेर द वर्किंग प्रेशर इज 14 बार विद अ स्टीम रेट ऑफ 9000 केजी पर आवर विद अ स्टीम रेट ऑफ अराउंड 9000 केजी पर आवर। ये आप लोगों को याद रखना है। ओके बच्चा चलिए आगे बढ़े। सर द साइज ऑफ स्टीम स्टॉप वॉल इज डिजाइंड बाय, तो बच्चा द साइज ऑफ स्टीम स्टॉप वाल किस पे डिपेंड करेगा? आप खुद सोचो कि आप लोगों का एक स्टीम स्टॉप वाल है तो वो आप लोगों के पाइप डायमीटर पे डिपेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आप लोगों के पाइप डायमीटर पे डिपेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो इट डिपेंड्स अपॉन द पाइप डायमीटर विच इट इज कनेक्टिंग। समझ में आया बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। भी अपन लोगों ने क्लास के शुरुआत में ही डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम के टाइप्स। बच्चा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। सर वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में आता है स्प्लैश आता है, प्रेशर आता है, स्प्लैश एंड प्रेशर आता है, मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं आता है। मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम एक आप लोगों का अलग लुब्रिकेशन सिस्टम का प्रकार में आएगा। चलिए सर व्हाट इज द डिस्कशन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज ओवर हियर। सर द एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ द गिवन प्लेन एट विच द बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम ओवर द इंक्लाइंड प्लेन बाय द असिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन ओनली। सो बच्चा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी।
बच्चा यहाँ पे दिस इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन कंडीशन, जहाँ पे आप लोगों का एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिपोज, अल्फा विल बी इक्वल्स टू फाइव। क्या हो जाएगा बच्चे, अल्फा विल बी इक्वल्स टू फाइव, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, दैट अल्फा विल बी इक्वल्स टू फाइव। समझ में आया? सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ सुपर कूलिंग? सर सुपर कूलिंग की वजह से इट इंक्रीजेस द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। बच्चा आप लोगों के जो चार अलग अलग कंडीशंस है, डिस्कसिंग ऑन टू द सीओपी एंड रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, सब कूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट जनरली 5 डिग्री केल्विन टू 10 डिग्री केल्विन, सब कूलिंग फायदेमंद है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है फॉर द गिवन वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर, दैट मीन्स द वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर रिमेन सेम एंड द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, इसी वजह से सीओपी इंक्रीजेस। इसी वजह से क्या बोल सकते हैं बच्चा, सीओपी सीओपी इंक्रीजेस। समझ में आया? चलो ट्राई करिए इस न्यूमेरिकल को। कैसे करें सर? यूजिंग द यूनिट फंडामेंटल्स ही। एन टू विल बी इक्वल्स टू सर रूट ऑफ एच टू माइनस एच वन इंटू एन वन। आप लोगों को पता है एन इज, यू कैन से एच इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये वही यूनिट फंडामेंटल से अपन लोगों ने लिया। रूट ऑफ 64 अपॉन 81 इंटू एन वन कितना है? 225 आरपीएम। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 8/9।
ये देखिए स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है सर, स्पेसिफिक स्पीड एन एस इज इक्वल टू एन रूट पी डिवाइडेड बाई रेस्ट टू द पावर 5/4। हेड कोएफिशिएंट्स की बात करें तो एच इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर एन एन स्क्वायर। डिस्चार्ज कोएफिशिएंट की बात करें तो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब एन एन। पावर कोएफिशिएंट की बात करें तो पी इज प्रोपोर्शनल टू डी रेस्ट टू द पावर 5/n³। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ओके बच्चा, सो विद दिस इट्स टाइम टू वाइंड अप नाउ बच्चा। यू कैन बी द नेक्स्ट अनअकैडमी एसएससी जेई अनअकैडमी आरआरबी जेई टॉप रैंकर। ओके बच्चा, सो मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द सेम। यू कैन गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस एंड यू कैन बी द नेक्स्ट टॉप रैंकर। आप लोग एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, आरआरबी जेई का भी ले सकते हैं यूजिंग माय कोड वैद्य50 टू गेट 55% डिस्काउंट ऑन टू द अनअकैडमी एसएससी जेई एंड अनअकैडमी आरआरबी जेई सब्सक्रिप्शंस। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।